रस वर्षिणी झांकी की झलक मात्र है। नहीं, हम लोग कहाँ हैं? मनगर। आप सभी को सादर नमस्कार। आप इस वीडियो में देखने वाले हो मनगर भक्ति मंदिर की यात्रा। इस प्रवेश द्वार से हमारी भक्ति मंदिर की यात्रा प्रारंभ होती है। यह भक्ति मंदिर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का एक समागम है। यहाँ आते ही अनंत सुख और शांति की भावना उत्पन्न होने लगी है। यह भक्ति मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के नामक ग्राम में। वाह, देखो ये इसके स्माइल तो देखो। इनाया देखो ये कितनी खुश हो रही है। इनाया क्या है? वाह, वेरी गुड। हम यहाँ यात्रा करने रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से मनगर की दूरी 70 किलोमीटर लगभग है। देश विदेश से श्रद्धालु इस भक्ति मंदिर की यात्रा करने को आया करते हैं। यह विश्व का प्रथम ऐसा मंदिर है जिसमें गीता में दिए हुए श्री कृष्ण के सारे उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस मंदिर के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा 26 अक्टूबर 1996 में इस मंदिर की नींव रखी गई। यहाँ से मंदिर का मुख्य मार्ग प्रारंभ होता है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय शैली में करवाया गया है, जिसका उदाहरण संगमरमर पर उकृत नक्काशी और कलाकृतियों में दिखाई पड़ता है। और यह मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट के पिलर पर खड़ा है। यह मंदिर अहमदाबाद के मशहूर आर्किटेक्ट, जिनकी स्पेशलिटी मंदिर बनाने में है, उनके द्वारा डिज़ाइन की गई है। मंदिर का मुख्य दरवाज़ा चंदन की लकड़ियों से निर्मित है। यह मंदिर दो तल में निर्मित है। भूतल पर श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन, तो प्रथम तल पर श्री राम और सीता की लीलाओं का वर्णन दिखता है। मंदिर के अंदर पिक्चर और वीडियो लेना अनिवार्य है। मंदिर का उद्घाटन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा 2005 में की गई। नहीं जय जय। मंदिर के बाएं भाग में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की 3D की मोमबत्तियां अलग अलग शैली में निर्मित है। वहीं बाईं ओर श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन है। मुख्य मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कितनी सुंदर नक्काशी करी गई है। मंदिर की ये कलाकृतियाँ मंदिर को और भव्य बना देती हैं। कहा जाता है श्री कृपालु जी महाराज का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, इस भक्ति मंदिर की स्थापना वहीं पे करी गई है। हमारे सभी भक्ति की जिस महिमा पर प्रकाश डाल रहे हैं। अंदर तो मंदिर में लेना नहीं है। Thank you.
See, it's so amazed to see this temple. आजा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इनायक को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, हमें भी यहाँ आने का बहुत अच्छा अनुभव मिला। दस वर्षीय की झलक सजल बना देती है। पगी, चलना है नीचे, दौड़ना है। ऐसे रस से आ इधर आ, इधर आ, इना इधर आ, काऊ काऊ, आओ कम, कम कम, काऊ काऊ। इधर फोटो खींच सकते हैं, इधर, वाह, बहुत ब्यूटीफुल है ना। थक के जाएगी वो, अच्छा लगेगा ना उसको।